भारत के दक्षिण में गॉड्स ओन कंट्री यानी भगवान का अपना देश कहा जाने वाला अपना एक राज्य है। अगर इस राज्य को भगवान का अपना देश कहा जाता है तो इसकी बहुत सारी वजह है। केरला के अलग अलग हिस्से में ऐसे कई सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसकी वजह से केरला किसी और पर निर्भर करने के लिए मजबूर नहीं है। केरला के सेल्फ सस्टेनिंग लैंडस्केप की वजह से केरला को भगवान का देश कहा जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ इतनी हरियाली है, इतने अलग अलग रंग के फल फूल और पौधे हैं कि दुनिया में जितने रंग पाए जाते हैं वो सारे केरला की धरती पर ही दिखाई देते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि केरला इज गॉड्स ओन कंट्री। भगवान के बनाए इन्हीं रंगों में से एक रंग है लाल। लाल प्यार का भी रंग है और खतरे का भी, या शायद एक मैसेज है हर वन साइडेड लवर के लिए कि दुनिया में प्यार से बड़ा कोई खतरा नहीं है। लेकिन केरला के कॉन्टेक्स्ट में ये रंग थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 25 जुलाई से 23 सितंबर 2001 तक केरला में लाल बारिश यानी रेड रेन हुई थी। सही सुना आपने, लाल बारिश। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कहा जाता है कि इस बारिश से केरला के बड़े हिस्से में भारी तबाही हुई। कहीं कहीं से तो पीली हरी और काली बारिश तक की न्यूज सुनाई दी। शुरुआती दौर में साइंटिस्ट को शक था कि कोई एस्ट्रॉयड यानी उल्कापिंड के गिरने की वजह से इस बारिश का रंग लाल है। लेकिन भारत सरकार द्वारा रिसर्च से पाया गया कि केरला में मौजूद एक रंगीन काई के बीजों के एवोपरेट होने और उनसे बादल बनने की वजह से केरला में रेड रेन देखने को मिली। जरा सोचिए कितना खौफनाक नजारा होगा। लोगों को लगा होगा कि आसमान से खून की बारिश हो रही है। लोगों का मन भगवान के प्रकोप की आशंकाओं से भर गया होगा। पर आप तो जानते हैं, प्रकोप श्राप इस तरह की बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। आस्तिक हो या नास्तिक, हर किसी ने भगवान से प्रार्थना जरूर की होगी। फिर 2006 की शुरुआत में केरला में एक बार फिर रंगीन बारिश हुई। इसके बाद 2012 के अंत में सिर्फ केरला ही नहीं, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसी ही रंगीन बारिश देखने को मिली। ऐसा कहा जाता है कि 2012 के अंत में हुई रेड रेन्स मयान कैलेंडर के खत्म होने यानी दुनिया के अंत के समय पर ही हुई थी, जिसका कारण माइथोलॉजिस्ट का कहना था कि ये बारिश एक युग के अंत का रिप्रेजेंटेशन है। इन सारी बातों के मिले जुले प्रभाव से अचानक दुनिया भर का ध्यान इस घटना की तरफ आकर्षित हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोट्टयम में महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के संतोष कुमार ने इस बारिश के पीछे एलियंस का हाथ होने का शक जाहिर किया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि ये लाल बारिश पैरामीजियम नाम के एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से हुई है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि पैरामीजियम के भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होने के अनुमान हैं। पहले तो सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज यानी CESS ने सुझाव दिया कि स्पेस से धरती के करीब मौजूद एक एस्ट्रॉयड में हुआ ब्लास्ट रेड रेन का कारण बनता है। फिर इसके बाद CESS और ट्रॉपिकल बॉटनिकल ग्राउंड एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IBGRI के कलेक्टिव प्रेस स्टेटमेंट में कहा गया कि इस बारिश के पानी का रंग देने वाले पार्टिकल्स धरती पर किसी बीजाणु की तरह से ही हैं। एक अलग रिपोर्ट में बारिश के पानी में उल्कापिंड ज्वालामुखी या रेगिस्तान मूल की धूल ना होने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है एटमॉस्फेयर में मौजूद गैस या पॉल्यूटेंट्स बारिश के पानी का रंग बदल रहे हैं। लेकिन ऐसी किसी गैस का कोई सबूत केरला के एटमॉस्फेयर में नहीं पाया गया जिससे रंगीन बारिश का कोई भी डेफिनेट पैटर्न उभर कर आया हो। यानी ये सबूत अलग अलग देखने पर तो ठीक लगते हैं, लेकिन इन सबको एक साथ देखने पर कोई एक प्रोसेस या सिस्टम नजर नहीं आया जिससे रेड रेन की ये गुत्थी और भी उलझ गई। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात ये है कि रेड रेन से कुछ घंटे पहले कात्यम जिले में एक सोनिक बूम यानी जोर की चमक देखी
और आवाज सुनाई दी। ये चमक साधारण बिजली की चमक से बिल्कुल अलग थी। साइंटिस्ट का सुझाव ये है कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आए छोटे एस्ट्रॉइड के डिकम्पोजिशन की वजह से रेड रेन हुई होगी, क्योंकि जनरली एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स में बहुत से लाल पार्टिकल्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन से पता चलता है कि ये लाल रंग के पार्टिकल्स एल्गी टेट्रीफिलिया के सीड्स बनाते हैं, जिनसे रेड रेन हो सकती है। और ये बात बहुत ही पॉपुलर है कि धरती पर जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही किसी एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से हुई थी। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि इस रेड रेन में किसी एलियन इंटरफेरेंस के चांसेस हैं। जीवन की उत्पत्ति के बारे में हुई हमारी रिसर्च में ये तो साफ है कि धरती के हर जीव का डीएनए और आरएनए का ट्रेस जरूर मिलता है। इसीलिए रिसर्चर्स ने रेड रेन के लाल पार्टिकल्स में डीएनए या आरएनए की मौजूदगी का पता लगाने के प्रयास में एथिडियम ब्रोमाइड के साथ टेस्ट किए, लेकिन इन सैंपल्स में पृथ्वी के किसी भी जीव या जंतु से कोई भी समानता नहीं मिली। यानी कि जो डीएनए इन पार्टिकल्स में मिला वो इस धरती का ना होकर आकाश में मौजूद किसी और ग्रह से ताल्लुक रखता है। डीएनए तो क्या साइंटिस्ट को बारिश में धूल, रेत और फैट ग्लोबल्स जैसी धरती में मौजूद एलिमेंट्स होने का कोई सबूत नहीं मिला। गॉड फेरी नाम के एक साइंटिस्ट का सुझाव है कि वो पार्टिकल्स जीवन का एक प्री हिस्टोरिक डोमिनिया या प्रोटोडोमेन हो सकता है, यानी इसमें धरती के इतिहास से भी पुराने पार्टिकल्स के सबूत के कुछ छिपे होने का अनुमान है। यानी ये पार्टिकल्स उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मेल खाने वाले हो सकते हैं जिनमें धरती पर लाइफ की शुरुआत हुई होगी। अब ये बारिश एलियंस की कराई गई है या फिर किसी मेट्रॉइड की, या फिर धरती पर मौजूद किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, इसका पता जब तक नहीं चलेगा तब तक ये रेड रेन पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बनी रहेगी और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इस पर रिसर्च चलती रहेगी। हो सकता है कि ये रिसर्च हमें हमारे ग्रह पर जीवन की शुरुआत के बारे में ही कुछ नया बता दे। उस दिन का इंतजार करते हुए ऐसी ही मिस्ट्रीज के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।